तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। दोस्तों, पहले अमृता सिंह और फिर डिंपल कपाड़िया, सनी देओल का जुड़ा दोनों के साथ नाम, क्या अब होती है बातचीत? तू सबसे बहुत 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 बड़ा है, है। तो भी ठीक है। क्या आप जानते हैं और जानना चाहेंगे कि स्कूल में कितने जीनियस थे सनी देओल? क्या आइंस्टाइन से भी ज्यादा तेज था उनका दिमाग? तू बस उन जालिमों की शक्लें बताती जा, करते में मैं दौड़ता जाऊंगा। और ये भी सच है कि जब सनी देओल ने शूटिंग के दौरान दबाया अनिल कपूर का गला, मिस्टर इंडिया ने क्या लिया था बदला? बहुत रुलाया तूने मेरी किरण को, बहुत रुलाया तूने। अब जाकर शाहरुख खान और सनी देओल के बीच दुश्मनी खत्म हुई है और कुछ खास बातचीत है इससे संबंधित। ओ चाचा, भैया आज की मजदूरी के पैसे माँ को दे देना, खुद मत खा जाना। सनी देओल पर 55 करोड़ कर्ज के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा सख्ती के बाद नर्म क्यों पड़े? क्या ये राजनीति से प्रेरित था? क्या आपकी सरकार का खेला था कुछ? तेरे चरणों की सौगंध पानी तब पीऊंगा जब उस पर किए हुए जुल्मों का हिसाब चुका। तो आइए जानते हैं सनी देओल के बारे में बहुत कुछ। तो इस कहानी के अंत तक बने रहें और कमेंट करके अपना रिस्पांस जरूर दें। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। पूछो तारा सिंह कौन है। दोस्तों, सनी देओल इन दिनों गदर 2 की सफलता को लेकर चर्चा में है। अनिल शर्मा और सनी देओल की हाल ही में गदर 2 की सक्सेस पार्टी रखी थी, जहां बॉलीवुड के तीनों खान और तमाम बॉलीवुड सितारे पहुंचे थे। अब गदर 2 के बाद सनी देओल छोटे बेटे राजवीर देओल को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गए हैं। पूनम ढिल्लो की बेटी और राजवीर जल्द ही दोनों फिल्म में नजर आएंगे, जिसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं सनी देओल की लव लाइफ और उनके मौजूदा रिश्तों के बारे में। शालू डार्लिंग, यू आर वेरी चार्मिंग। दोस्तों, सनी देओल ने साल 1983 में बॉलीवुड में बेताब से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। उनकी पहली को स्टार थी अमृता सिंह। जब हम जवान होंगे जाने कहां होंगे। दोनों की जोड़ी को फिल्म में न केवल पसंद किया गया बल्कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट का दर्जा भी हासिल किया। बेताब में अमृता और सनी देओल के काम की भी खूब प्रशंसा हुई थी। तुमने दिया दिलों में आ गया। सनी देओल ने राहुल रावल के डायरेक्शन में बनी बेताब से कदम रखा था। इसने 13 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया था। दोस्तों, दोनों के ब्रेकअप की क्या वजह थी ये तो आज तक किसी को भी नहीं पता। मालूम हो सनी देओल के साथ जब अमृता ने बेताब की थी। अब हम जवान होंगे जाने कहां होंगे। तब तक वह कुंवारी थी। उन्होंने साल 1991 में सैफ अली खान से शादी की। हालांकि 2004 में अमृता सैफ अलग हो गए थे। दोनों के दो बच्चे हैं, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। चलिए अब आपको डिंपल कपाड़िया और सनी देओल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अमृता सिंह से अलग होने के बाद सनी देओल का अफेयर डिंपल कपाड़िया के साथ शुरू हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिंपल कपाड़िया को सनी देओल का साथ मिला, मगर दोनों शादीशुदा थे और ऐसे में दोनों का रिश्ता ज्यादा टिक ना सका और अलग हो गए। जाने अब कैसा है अमृता और डिंपल से रिश्ता। दोस्तों, सनी देओल और डिंपल कपाड़िया ने सालों से अपने रिश्ते पर रिएक्ट नहीं किया है, ना ही उन्होंने कभी एक दूसरे को लेकर किसी इंटरव्यू में जिक्र किया। हालांकि जब डिंपल कपाड़िया को सनी देओल की गदर 2 देखने के लिए स्पॉट किया गया तो एक बार फिर से चर्चा चल पड़ी है। गुड मॉर्निंग, ये खटारा पीछे हटाओ। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेताब की शूटिंग और कामकाज के दौरान सनी देओल और अमृता सिंह की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती थी। ये दोस्ती देखते ही देखते मोहब्बत में तब्दील हो गई। और क्या अहदे वफा होते हैं। कहते हैं कि अमृता और सनी देओल का बहुत कम समय के लिए अफेयर रहा, लेकिन बहुत सीरियस था। मगर फिर दोनों का एक बड़े कारण की वजह से ब्रेकअप हो गया था। बहुत रुलाया तूने मेरी किरण को, बहुत रुलाया, बहुत रुलाया।
मेरे। गदर टू स्टारर सनी देओल और जवान एक्टर शाहरुख खान के बीच दुश्मनी खत्म हो गई है। दोनों करीब 30 साल बाद एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मिलते दिखे। दोस्तों शाहरुख खान हाल ही में सनी देओल के गदर 2 की सक्सेस पार्टी में पहुंचे थे। यहां उन्होंने सनी देओल के साथ काफी अच्छा वक्त बिताया। क्या नाम है उसका? ১৯৮৩ में आई फिल्म डर की शूटिंग के दौरान सनी देओल और शाहरुख खान के रिश्ते खराब हो गए थे। उसके बाद सनी ने कई बार बिना नाम लिए शाहरुख पर निशाना भी साधा। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। वही गदर 2 के तारा सिंह का एक और पंगा रहा है, वह किसी और से नहीं बल्कि अनिल कपूर से। जो नाम का गुंडा उसे उठा कर, लेकिन कुछ ही दिन में मुझे मेरी बहन और बिरजू। दोनों की अनबन काफी पुरानी है, इनकी तो दुश्मनी 29 साल पुरानी बताई जाती है। क्या है मामला, आइए बताते हैं। दोस्तों गदर 2 की सक्सेस पार्टी में अनिल कपूर और सनी देओल भले साथ दिखाई दिए, लेकिन इनकी दुश्मनी कतई गहरी रह चुकी है। ओ साले, दाम के भाई सपोलिए। अनिल कपूर ने तो एक्टर पर थूक तक दिया था। इनके बीच 3 बार लड़ाई भी हो चुकी है, शायद इसलिए इन दोनों के साथ में ज्यादा फिल्म नहीं की है। ये कयास 90 के दशक का है, जब इंडस्ट्री पर सनी देओल के साथ साथ जैकी श्रॉफ, गोविंदा और अनिल कपूर का राज हुआ करता था। मुन्ना जरा जूता देना। क्यों? अरे मुन्ना जूता देना। जब सनी देओल ने शूटिंग के दौरान दबाया अनिल कपूर का गला, मिस्टर इंडिया ने थूक कर लिया था बदला। दोस्तों बात 1988 की है, जब सनी देओल और अनिल कपूर फिल्म राम अवतार की शूटिंग कर रहे थे। यहाँ सनी को अनिल का गला दबाना था, लेकिन एक्टर इतने जोश में आ गए कि उन्होंने सोनम कपूर के पापा का गला वाकई दबा दिया था। उस वक्त तो एक्टर ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसकी शूटिंग पूरी हुई अनिल कपूर ने हंगामा मचा दिया। उन्होंने कहा कि सनी देओल ने ऐसा जानबूझकर किया है। इसके बाद ही दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। जब सनी देओल ने शूटिंग के दौरान दबाया अनिल कपूर का गला, मिस्टर इंडिया ने थूक कर लिया था बदला। अनिल कपूर ने थूका, दोनों का पता चल जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों दोनों ने फिल्म इंतकाम में भी काम किया था, हालांकि ये साथ में काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर के कारण इन्होंने हामी भर दी थी। राजकुमार कोहली की इस मूवी में भी एक सीन था जहां सनी और अनिल को एक दूसरे के एकदम करीब आना था। अब इसी दौरान अनिल ने डायलॉग बोलना शुरू कर दिया, लेकिन मुंह सनी देओल के इतने करीब था कि एक्टर के मुंह पर थूक पड़ने लगे। फिर क्या था, सनी देओल ने कॉलर पकड़ लिया। अब सनी ने उन्हें टोका, कहा कि डायलॉग सही से बोलो, सारा थूक फेस पर पड़ रहा है। लेकिन एक्टर नहीं माने और वह वैसे ही बोलते रहे। ऐसे में सनी देओल गुस्से से लाल हो गए, उन्होंने अनिल कपूर का कॉलर पकड़ लिया। इनके बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि मूवी की टीम को बीच बचाव में आना पड़ा। इसके बाद ही दोनों कभी साथ काम ना करने का फैसला कर लिया। अरे यार, कल रात की पार्टी में तूने कमाल कर दिया, ऐसी रौनक लाई कि शहर की सारी लड़कियां। दोस्तों अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। इसकी अकेली वजह फिल्म गदर 2 की सफलता नहीं है, बल्कि बैंक ऑफ बड़ौदा का वो नोटिस है जिसमें सनी देओल के मुंबई स्थित बंगले को नीलाम करने की बात कही गई थी। प्यार कर दिया। प्यार कर दिया। बैंक ने कहा कि पंजाब के गुरदासपुर से सांसद सनी देओल दिसंबर 2022 से बैंक ऑफ बड़ौदा के लगभग 55 करोड़ के कर्ज का भुगतान नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके गिरवी रखे बंगले की ई नीलामी की जाएगी। 19 अगस्त को जब यह नोटिस अखबारों में छपा तो सनी देओल से कर्ज न चुकाने को लेकर सवाल करने लगे। उन्होंने इसे व्यक्तिगत मामला बताते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि 2 दिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए यह नोटिस वापस ले लिया। सवाल है कि आखिर बैंक ने ऐसा क्यों किया? क्या सनी देओल अपना कर्ज चुकाने के लिए तैयार है? क्या बैंक पर कोई दबाव डाला जा रहा है? बैंक ने जो कारण बताए उसमें कितना दम है? अभिनेता सनी देओल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से मुंबई के जुहू स्थित सनी विला बंगले पर एक लोन लिया था। इस लोन में भाई बॉबी देओल और पिता धर्मेंद्र सिंह गारंटर बने थे। मेरी जान जाएगी, जाती रहेगी, मुझे आजमाने। इसके अलावा सनी साउंड प्राइवेट लिमिटेड को कॉर्पोरेट गारंटर का गारंटर बनाया गया था।
मनी कंट्रोल न्यूज वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने यह लोन साल 2016 में एक फिल्म को फाइनेंस करने के लिए लिया था। तूने तो इस शहर में लोगों को खुलेआम मारा है, तो तेरी मौत इस बंद कमरे में कैसे हो सकती। 2019 लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट में भी सनी देओल ने बताया था कि उन्होंने करीब 50 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है। लोन को समय से न चुकाने के चलते बैंक ने दिसंबर 2022 के आखिर में इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया। इसी बीच उनका एक बयान चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप शायद ये भूल रहे हैं कि ये वर्दी, ये कुर्सी आपको हमारी सुनने के लिए मिली है। आप यहाँ बैठे हैं हमारे लिए, जिसे लेकर कई लोग उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं। दरअसल सनी देओल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्कूल में उनका IQ 160 था। गौरतलब है कि 160 IQ काफी ज्यादा होता है, 130 से ज्यादा IQ वाले को जीनियस माना जाता है। यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी IQ 160 के आसपास माना गया है। ऐसे में सनी देओल के दावे के हिसाब से वह अल्बर्ट आइंस्टाइन जितने ही जीनियस हैं। इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या उन्हें बचपन में पढ़ाई लिखाई संबंधी किसी समस्या का सामना करना पड़ा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी कोई भी समस्या नहीं आई। उन्होंने कहा कि एक बार स्कूल में सबका IQ चेक किया गया तो मेरा स्कोर 160 के आसपास आया था। उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि वह डायलॉग्स के लिए टेलीप्रॉम्प्टर का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि लाइन्स याद करके बोलते हैं। तो दोस्तों, कॉमेंट करके आप अवश्य बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी।